की लाइट चल रही है, लगता है बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। हाँ, वो नंदू ने दिया था फोन मुझे, पर मैं देखना ही भूल गई। फोटोज कहीं आदित्य ने देख ली तो? कोई नहीं, मैं देख लेता। नीची, ये तो गया। हाय अल्लाह। I'm sorry. कोई बात नहीं छोटी बहू, नया ला देंगे। और नहीं तो क्या, इनका बस चले तो फोन की पूरी दुकान ले आए तेरे लिए। सुनो, जरा फोन उठा दो प्लीज। देखो ना, कोई मैसेज आया है, उसे ओपन करके मेरे सामने रख दो। मैं नहीं उठा सकती जी। सुनो, यहाँ आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं, तुम जरा मेरा मैसेज पढ़ दो प्लीज। और हाँ, जरा हिस्सा पढ़ना, उनका है। तुमने ख्वाबों में आने का वादा किया है, इस इंतजार में कहीं गुजर ना जाए रात। सुनो, तुम मेरा जवाब लिख दोगी प्लीज? मैं नहीं लिख सकती ना, क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। बोलिए। आंखों आंखों में बीतेगा रात का हर पल, बातों बातों में निकलेंगे इस दिल के जज्बा। धीरे बोल। तुम चली तो होश आए, पर पहुंची नहीं मुझ तक। दिल को बहला रहा हूं मैं कहकर ये बात। दिल तो बहल जाया करेगा ऐसे ख्यालों से। सबर करो, तुम्हें मिलेगी, तुम्हें मिलेगी खुशियों की सौगात। यही लिख दो, बहुत अच्छा है। आई लव यू। आप इसका जवाब तो मालूम ही होगा तुम्हें।
सारा, ससुराल जाने का सुख ज्यादा है या मायके से बिछड़ने का दुख? तू तो पहले भी इन सबको छोड़कर एक बार विदा हो चुकी है ना, फिर अब दोबारा जाते हुए क्यों वही दर्द हो रहा है मुझे? पगली है तू भी। तारा बेटा अपना चेहरा तो दिखा, आज के दिन मैं सबसे पहले तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ, तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। आ मेरे पास आ। तारा? हाँ माँ, आई। पहली बार जब तू मेरे गले से लगकर विदा हुई थी तब की बात कुछ और थी, तू अनजान लोगों से जुड़ने जा रही थी, लेकिन अब की बात तो तू सबको जानती है, पहचानती है, और सबसे ज्यादा तो अपने पति को। इस बार तो मैं भी तुझे रोकर नहीं, मुस्कुरा के विदा करूंगी। अरे जिसका जिसका मृत्युंजय जैसा पति हो उसे कोई गम हो सकता है भला? बिल्कुल नहीं। चुप हो जा, मुस्कुरा दे। मेरे बच्चा। बताओ कैसे लग रहा हूं? ऐसे कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाए। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ खिले खड़े होकर क्या सोच रहे हो? बस सोच रहा था, इतनी अजीब बात है, उस दिन जब जेल में शादी हुई थी मेरे लिए कितना अलग दिन था, कुछ महसूस ही नहीं हुआ था, मैं बस आपकी खुशी के खातिर वो शादी कर रहा था। बिल्कुल अलग एहसास था, एक वो दिन था जेल में और आज। आज धड़कने तेज है, सांसें कांप रही है, दिल कुछ कुछ हो रहा है। हाँ बाबा, बस चाहता हूँ कि मैं बस जल्दी से ये सब कुछ खत्म करके तारा को दोबारा अपना बनाकर जल्दी से घर लेकर उसे वो सारी खुशियां दे दूँ जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया था। उसे एक पल के लिए भी अपने नजरों से दूर ना होने दो, मैं बस उसे खुश रखना चाहता हूं। इंशाल्लाह आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मजार गया था, आप दोनों की सलामती के लिए दुआ मांग के आया। कीजिए। थैंक यू फ्रेम चाचा। आप भी। हाँ अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अच्छा फहीमिया, वो आपने दादी को चाय दे दी? वही लेके जा रहा हूँ सर। अच्छा सर, पता है सुबह जब पानी देने गया ना तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था पर उनकी आंखों को देख के लग रहा था कि रूह से खुश हैं वो। इसे कहिए ना दाढ़ी कटाए। बेटा इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपको आपके दादाजी का आशीर्वाद मिल रहा है, और अब देखना तारा बहू को आपसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। बेटा हमने आपका केस रीओपन करवा दिया है और डीआईजी साहब भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अब देखना जल्द से जल्द हमें तारीख मिल जाएगी कोर्ट से, राधा की गवाही के बाद आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, हमेशा के लिए आजाद। बाबा थैंक यू। Thank you.
अच्छा देखिए ना, ये भी तो नियति का ही खेल है, वरना किसने सोचा था कि राधा जिंदा है और तुम्हें इस तरह मिल जाएगी। राधा, देखती रहोगी या बताओगी भी? ठीक लग रहा हूं या जी, या बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सोचा था? बताओ। राधा देखो तो सही कौन आया। मृत्युंजय देखो ना कितना खूबसूरत सहरा बनाया, खुद अपने हाथों से बनाया इसने तुम्हारे लिए। अरे वाह प्रीति, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या बात। पर एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी शादी है। आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन, तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त को कैसे नहीं मिलता। सूरज उगने से पहले ही प्रीति लगी हुई थी मेरा सहरा बनाने। क्यों? वो तो है, और मैंने सहरा बना भी लिया, पर मैं तुम्हें पहना नहीं पाऊंगी। अरे बस इतनी सी बात, तुम्हारा मन था ना मेरा सहरा बांधने, तो अभी बांधो मुझे। हाँ हाँ अभी लाओ। अरे सोच क्या रही हो, बांधो। बस देखती रहोगी या बताओगी भी? ठीक लग रहा हूँ या अजीब? या बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सोचा था? अब बताओ भी ना, कुछ तो बोलो, कैसा लग रहा हूं मैं? मुखली बैठ यहां, ऐसे इमोशनल क्या हो रही है? मेरी विदाई थोड़ी हो रही पागल, यहां देख स्माइल प्लीज। चलो चलो, अब बहुत टाइम स्पेंड कर लिया दोस्तों, आज स्पेशल डे है, तुम्हें आज अच्छे से रेडी होना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना पड़ रहा है, तुम्हें मिस करूंगा। मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, अब जल्दी से घर जाओ वरना पता चले तुम अपनी शादी में मिसिंग हो। इतनी सुंदर मेहंदी लगी है और मैं तो थप्पड़ मारने वाला था उसे, बोलता आप भी मेहंदी लगवा। अरे बेटा वो बैंड वाले आए कि नहीं आए? रात निकलने में कुछ वक्त बाकी रहेगा। डैड बस 10 मिनट में निकल रहे हैं, भैया रेडी हो जाओ उसके बाद। इधर तैयार नहीं हुआ नहीं डैड, वो भैया की शेरवानी और सेहरा ही नहीं आया अभी तक। आ गई आ गई आ गई, शेरवानी भी आ गई और ये लीजिए सेहरा भी आ गया। अरे वाह कितना ठीक है ना, मैं सबको बताया। अरे आप बताओ अंकल। खुद रहा अपने हाथों से मृत्युंजय के लिए बनाया बेटा, काश वो भी अपने जिद्दी दोस्त की शादी में शामिल हो पाते। खैर बेटा अब कुछ देर और छुप के रहना पड़ेगा उससे, कल की तारीख मिली है कोर्ट से। सच? राधा सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। अब बेटा आप जाओ दूल्हे को तैयार करो, वहां दुल्हन वाले राह देख रहे होंगे। जी 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 जाओ।
क्या रही है तू? पहले तू बता, कहाँ गई थी तू? तुझे पता भी है माँ कितनी परेशान हो रही थी अकेले काम करते हुए? मेरी बहन की शादी है भाई, बाल बनाने गई थी तारा। देख कैसा लग रहा है ये स्टाइल नंदू। हाँ शादी किसकी है, मेरी या तेरी? तेरी। तो तू क्यों इतना सस संवर रही है, मुझे कौन तैयार करेगा? नंदू बेटा कहाँ थी तू? चल अब तारा के साथ रहना जब तक ये सज नहीं जाए। हाँ सुनिए, मंडप को बिल्कुल सादे पर सुंदर ढंग से सजाइएगा, मेरे दामाद जी को ऐसा ही पसंद है। हाँ लो, इन्हें भी सिर्फ दामाद की फिक्र है, मेरी तरफ कौन देखेगा? अरे मैं हूं ना जाने मन, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, देखना पूरा मन लगा के तैयार करूंगी तुझे, बिल्कुल तेरे लफक स्टाइल में। सच्ची? सच्ची। मेरी मिस भोपाल, I'm sorry, हाँ मैंने बेकार में इतना गुस्सा किया तुझ पर, पर तू तो जानती है ना तेरी तरह तुझसे कितना प्यार करती है। जानती हूँ रे, तेरा प्यार तो मुझे सबसे ज्यादा महसूस होता है। जिंदगी के गुलशन से महके हुए से कुछ लम्हे चुरा ले, आवाज देकर खुशियों को अपने पास बुला ले। जब कभी ख्वाबों की बेआवाज दस्तक से रातों की नींद टूटे तो बस मुस्कुरा देना। मिरासन आज भी लेट हो गई। कहाँ हैं आप? मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ, आप अभी तक आई नहीं। आज मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? और हम में से कोई भी नहीं जा रहा है आज हवेली में। हमने फोन करके बता दिया है। अच्छा हम फोन रखते हैं, राम राम। अब मैं मीर की शादी में कैसे जाऊंगी? आज तो मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मुझे मीर को दूल्हा बनते हुए देखना है। हाँ भैया। हाँ राधा। अरे तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा तो खुशी से ना छुटेगी। कोर्ट ने हमें कल की डेट दे दी है और तुझे वहां पर हाजिर होना होगा। मृत्युंजय उसके बाद हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, परी हो जाएगा वो। अरे वाह, क्या बढ़िया खबर सुनाई आपने। अच्छा वैसे वहाँ क्या हो रहा है? बस मैं मृत्युंजय को तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से बारात निकल पड़ेगी। अरे नहीं नहीं भैया, आप ना बारात को अभी मत निकलने देना। पर क्यों? बस मैं कह रही हूँ ना, आप मीर को तैयार होने में ना लेट कर देना। लेकिन दादा। भैया मैं जैसा कह रही हूँ बस आप वैसा करो, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये देर क्यों करना चाहती है? अरे बादू तुम जरा नीचे जाकर देखना है। हाँ। अरे बेटा आप गए नहीं अभी तक दूल्हे के पास? जी वो मैं मोजड़ी भूल गया था, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। आयना अस्तबल कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर सजा है। नमस्ते। अबे गधू, ये लड़ियां लगाने में 10 घंटे लगते हैं क्या? अभी मैं तुझसे बात करी, इधर देख। ए? ऐसे क्या दिख रहा है? कैटरीना कैफ लगी हूँ क्या मैं? काम कर। अगर अभी कभी लड़ियां नहीं लगी ना तो इन लड़ियों की जगह तुम सबको लटकाऊंगी मैं, समझे? तारा भी ना। अब करो फटाफट।
आइए अंदर आइए। हम दुल्हन का जोड़ा और जेवर लेकर आए। हमारे यहाँ पे रिवाज है कि दुल्हन की विदाई ससुराल के जोड़े में है। तारा आप ही की है बहन जी, तो आपकी अमानत है जो हमारे पास है, उसे आप ही के घर पर आना है। ये दुल्हन का जोड़ा और ये गहने